हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपको आज व्यंजन लिखने का प्रयास करने जा रहा हूँ, जिसमें बताने का प्रयास यही कर रहा हूँ कि आप जब शुरुआती पेंटिंग करना चाहें तो आप इस ब्रश का योजना करें, ना इतने बड़े से, ना आप लंबे बाल का यूज करें, ना ही बहुत छोटे बाल का है, ना ऐसे। आपको सिर्फ करना है 8 से 10 12 नंबर तक के साइज़ का ब्रश। इसमें प्लास्टिक का बाल रहता है जो लिखने में आपके लिए बहुत ही मदद करता है। और एक बात के लिए आप ध्यान रखिए कि आप पेंट का यूज तनिक भी नहीं करिए, आप कलर का यूज करिए। ये कलर है, ये ब्रश है। जब भी लिखें आप तो पहले लाइन खींच लें। जब कोई सीख जाता है उसके बाद तो चाहे जैसे भी लिखें, पर सबसे पहले आपको लिए लाइन खींचने की ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं, इस प्रकार से इसको लाइन एक दो और हाँ, एक बात, आप जब भी लिखना चाहें तो जब शुरुआत हो तो आप तो ना तो इतनी दूर पर लिखें, ना तो एकदम से नज़दीक लिखें। आप एकदम बैलेंस, मतलब शरीर, मतलब जितने में आपका हिले डुले ना उतने पर ही लिखें। जैसे मेरे लिए इतने में आसान है लिखने के लिए, तो आप इतने में लिखें, बहुत ऊपर ही ना लिखें ना बहुत नीचे। जब आपसे बनने लगेगा तो आप तो जैसे भी चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो मैं आज व्यंजन लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, हेडिंग डाल दूँ ऊपर व्यंजन इस तरह से। ये व्यंजन इधर से उधर से। इसमें सबसे पहले का लिखते हैं, ये मिट्टी की दीवार है इसलिए ज़्यादा कलर सोख रही है। आप पक्की की दीवार में साफ जगह में लिखें, ये दीवार सही नहीं है। तो ऐसे इसको इस तरह से ये बन गया, का हो गया इस तरह से, इसको का हो, इसके बाद खा। गौर करिए, इसमें से आप या भी सीख सकते हैं, इसको इस तरह लेके ये अभी या का ही रूप बन रहा है, उसके बाद आप इसमें खा भी बना सकते हैं इस तरह। देख लीजिए, इसको ऐसे जोड़ दें, उसके बाद यहाँ से ऐसे कुछ कर दो, थोड़ा सा ये खरगोश बन गया। उसके बाद गा, फिर घा, अभी आप इसको देखिए, ये धा धनुष बना है, उसके बाद इसको जब जोड़ देंगे तो ये घा बन जाएगा। लास्ट में अंग बना रहे हैं, इसमें भी देख लीजिए, आप डलिए भी बना सकते हैं इस तरह। ये हो गया ये।